नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक रोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं? भरपूर मेहनत करने के बाद भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्या यह आपके जीवन में हो रहा है? यह ग्रह कलेश से संबंधित परेशानियां घर में है। इसके अलावा घर में अक्सर व्यक्तियों का बीमार रहना, इससे आप चिंतित हैं, या आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा का संचार है? क्या इस तरह की आपके जीवन में परेशानियां हैं? तंत्र मंत्र या नजर दोष से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही हैं? सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या धन से जुड़ी हुई दिक्कतें, कर्जा होना, नौकरी या व्यवसाय का न चल पाना, आपसी रिलेशन में दिक्कतें, नवग्रह दोष, पितृ दोष, दुर्भाग्य या मानसिक विकार, इस तरह की अगर कुछ भी दिक्कतें हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि की स्थिति सही नहीं है, या शनि की ढैया या शनि की साढ़े साथी आपके जीवन में चल रही है। यह इसका मेन कारण है। लेकिन इसका एक बहुत आसान उपाय है। आपने सुना होगा शनि का एक वृक्ष होता है, शमी, जिसका नाम है शमी, शमी का वृक्ष। यह बहुत ही चमत्कारी वृक्ष है। अक्सर आपने घरों में, घरों के बाहर या घरों के छत में यह लगा हुआ देखा होगा। जो लोग इसके बारे में जानते हैं अपने घर में यह पेड़ जरूर लगाते हैं। कालिदास को भी इसी शमी के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शमी के वृक्ष की जो लकड़ियां होती है वह यज्ञ वेदी में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सुख समृद्धि, ग्रह कलेश को समाप्त करने के लिए किया जाता है, और तंत्र मंत्र के लिए शमी के वृक्ष की चीज का इस्तेमाल होता है। नजर दोष और रोग निवारण के लिए भी घर में शमी के वृक्ष को लगाया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यह किन किन क्षेत्रों में कार्य में लाया जाता है और इसे किस तरह प्रयोग किया जाना चाहिए। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में ओम संघ शनिश्चराय नमः जरूर लिखें। जो पहला आपको मैं इसका इस्तेमाल बता रहा हूं, अगर जीवन में परेशानियां चल रही है, काफी स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती, उसका रिजल्ट मनचाहा नहीं मिल पाता है, या शनि की ढैया या साढ़े साथी जीवन में चल रही है, अगर यह परेशानियां किसी भी जातक के जीवन में चलती हैं, तो ऐसे जातकों को चमेली के तेल का दिया हर शनिवार को शमी के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे धीरे धीरे कर इस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। जो दूसरी बात है, घर में कलेश का माहौल बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, घर के सदस्य एक दूसरों से नहीं बोलते, तो इसमें भी कहीं ना कहीं शनि का नकारात्मक प्रभाव देना है। तो ऐसे व्यक्तियों को शनिवार के दिन सुबह उठने के बाद एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और मीठी चीज, शक्कर या मिश्री, उसमें घोलकर उस पानी को शमी की जड़ में चढ़ाना चाहिए, उसका अभिषेक करना चाहिए। घर में जो यह स्थिति बनी हुई है इस पर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है या व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को शनिवार के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर शनिवार के संध्या काल में शमी के पेड़ की जड़ में वह तिल अर्पित करने चाहिए। इससे जरूर सुधार होगा। आजकल नजर दोष से संबंधित भी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को नजर दोष से संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को शनिवार के दिन संध्या काल के समय शमी के वृक्ष की पत्तियां घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर रखनी चाहिए। इससे स्थिति में सुधार आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को रोग अत्यधिक प्रभावित करते हैं, उसकी स्थिति इस तरह की है कि हर समय उसे किसी न किसी रोग ने पकड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को शमी की टहनी का एक टुकड़ा अपने बिस्तर के नीचे, सिराने के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। इससे भी स्थिति में सुधार हो जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है, घर में पैसा रुक नहीं पाता है, आता तो है लेकिन रुक नहीं पाता, तो ऐसे व्यक्तियों को लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का और शमी का पत्ता या टहनी रखकर उसे लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें या घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर रखें। इससे भी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। रिलेशन से संबंधित बात करें, अगर घर में पति पत्नी के बीच अनबन रहती है या आए दिन कुछ न कुछ इस तरह से लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में जरूर ईशान कोण में इस वृक्ष को लगाना चाहिए। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के कोने पर इस पेड़ को लगाना चाहिए। इससे जो संबंधों में खटास है उसमें मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर कुंडली में नवग्रह दोष होता है उनको भी इससे सही किया जा सकता है, क्योंकि यह शमी का पौधा गणेश जी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, हर किसी को यह वृक्ष प्रिय है। अगर कुंडली में शनि के अलावा अगर मंगल भी नीच की अवस्था में है या नवग्रह दोष कुंडली में विराजमान है, तो उनके निवारण के लिए भी शनिवार के दिन शमी के वृक्ष में कच्चा सूत लपेटा जाए, तो इससे भी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का, तो इसके लिए भी इस पेड़ का घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में शमी का वृक्ष लगा हुआ है तो इन चीजों से भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक कि मानसिक विकार, अगर किसी व्यक्ति को मानसिक कुछ समस्याएं होती है, स्ट्रेस रहता है, या पैरालिसिस से संबंधित कोई परेशानी है, या हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है, शनि को हड्डियों का भी कारक ग्रह माना गया है, तो अगर हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसकी जड़ का एक टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर अपने दाएं बाजू में बांधना चाहिए, उससे स्थिति में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कुंडली में अगर पितृदोष मौजूद है या दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, तो शमी के जड़ पर हर रोज आपको लाल बत्ती लगाकर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे स्थिति में आपके सुधार होना शुरू हो जाएगा। यह कुछ अचूक उपाय हैं, अगर आप इन्हें अपने जीवन में करते हैं तो आपको जरूर जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उससे पहले अर्जुन ने जो अपना धनुष था वह इसी पेड़ के नीचे छुपाया था, और विजयादशमी के दिन इस पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, और नव दुर्गा पूजा नवरात्रि के समय पर इसके पत्तियों को माँ दुर्गा में अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को भी यह अति प्रिय वृक्ष है। तो यह कुछ उपाय थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा, और जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।